हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन की सब्जी, जो आपको बिल्कुल मछली के स्वाद लगेगी। और आपको पता ही है, बैंगन खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये न सिर्फ कैंसर से लड़ने बल्कि दिल की सेहत को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले इस बैंगन को हमने बीज से जो है चार जो है इसको कट कर लगा लिया है, बिल्कुल नीचे से ज्वाइंट रखना है बैंगन को। फिर हम इसे जो है शैलो फ्राई करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने कम तेल में शैलो फ्राई किया। बहुत लोग इसे डीप फ्राई भी करते हैं, तो क्योंकि हम तेल कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो मैंने जो है इसको शैलो फ्राई करना ही ठीक समझा। आप अपने हिसाब से इसे तल सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप ऊपर से आप नमक ऐड कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे पहले से ही नमक और हल्दी में जो है लपेट के भी आप इसको तेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और इसको जो है मिला दिया है। बिल्कुल आहिस्ते से मिलाइएगा, क्योंकि बैंगन बहुत नाजुक होता है, ये कट लगाने के बाद टूटने का डर है। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी छींटेंगे, ताकि एक कलर भी अच्छा आए और हल्दी का स्वाद भी अच्छा आ जाएगा, इसमें बैंगन के अंदर चला जाएगा। और इसे हम सबको अभी शैलो फ्राई करेंगे। कैसे, आपने देखा तो मैंने शैलो फ्राई करके इसको निकाल लिया है। तेल बिल्कुल निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया। और फिर दूसरा मुझे और बनाना था, तो मैंने इसमें और भी डाला है। और ये धीरे धीरे जो है इसको भी वैसे ही करना जैसे मैंने पहले अभी आपको इसका प्रोसीजर बताया। तो इस तरह से करके हम जितने भी बैंगन आपने लेना है सबको इसको धीरे धीरे शैलो फ्राई करते रहना है। और यहाँ पे देखिए, इसको मैंने इसको निकाल लिया संभालते हुए, और ये बहुत अच्छा रोस्ट हो गया है और तल गया। फिर हम तेल में जो उसी तेल में बचे हुए तेल में हींग और मेथी डालेंगे। मेथी को जलने नहीं देना है हमें। और तुरंत ही हमें सरसों लहसुन का पेस्ट, आप जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से बना लीजिए। और सरसों और लहसुन का पेस्ट हमें यहाँ पे डालना है। एक चीज़ मैं बताऊँगी, जब भी आप सरसों लहसुन पीसें तो उसमें टमाटर जरूर डाल दें ग्राइंडर में, इससे आपकी सरसों अच्छी पीसती है। फिर इसमें हम अपने अंदाज से हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर हम डालेंगे। और ऊपर से डालेंगे हम मसाले का पानी और इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। धीरे धीरे इसको हमें कम आंच पे भूनना है। और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को आप चॉप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। और टमाटर को थोड़े से 3 से 4 मिनट में होने पे ही आप जो है इसको हल्के हल्के पानी डाल के आप इसको भूनते रहिए, ताकि नीचे से ना लगे। और फिर हम इसमें 2 चम्मच जो है दही डालेंगे। इसमें दही एक बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। दही का पानी भी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि दही में पानी बहुत छूट गया था, तो मैंने उसको फेंकना उचित नहीं समझा और मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ दही के पानी को। इससे आपको खाने के वक्त पता चलेगा कि उस दही को डालने से कितना अच्छा स्वाद आया। और जब ये दही भी भुन जाए तो अपने पानी डालेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, सबका मिला जुला के। और इसे अब हम उबलने देंगे। हल्के से उबाल आते ही हम जो आपने शैलो फ्राई किया था बैंगन, उसको बिल्कुल संभालते हुए धीरे धीरे इसमें हम एक एक करके डालेंगे। और ऊपर से हम फिर हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, ताकि इसमें इसकी भी खुशबू आ जाए, स्वाद आ जाए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी, मुझे बहुत पसंद है खाने में, खास करके मछली या हो या सरसों की सब्जी में, तो मैं इसमें कसूरी मेथी मैंने डाला। और इसे ढक देंगे हम बॉयल आने तक। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल हो गया, कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है ये कोई फिश ही है। तो इस तरह से हम इसको धनिया पत्ती से, ये देखिए आपका बैंगन की सब्जी तैयार है ना, कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है, बिल्कुल मछली खाना भूल जाएंगे। और मछली तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिहार की ये स्पेशल मछली वाली बैंगन की सब्जी ना कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस बारिश में ना इस सब्जी को ज़रूर बनाना। और हाँ, इसको ना बिल्कुल सादे चावल के साथ ही खाना, तभी आपको मज़ा आएगा और मछली वाला स्वाद मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं चलती हूँ अगली रेसिपी की तैयारी करने। बाय बाय।